हेलो फ्रेंड, किड्स अपेक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हमने बनाई है आलू की भुजिया सब्जी, जो बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगती है और टिफिन में आप लगा भी सकते हैं इसको, और पूड़ियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने सब्जी बनाई है, आइए इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है बच्चों के लिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलिए बनाते हैं आलू की भुजिया सब्जी। तो ये देखिए मैंने इतने आलू लिए हैं, इन आलू की हम बनाएंगे भुजिया सब्जी। आजकल बच्चों को तीखा और क्या कहते हैं मसालेदार सब्जी पसंद नहीं आती है, तो हम नॉर्मली जो भुजिया सब्जी बनती है ऐसे ही देखो बनाते हैं बिना मसालों के। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बनाने हैं। तो ये आजकल नए आलू आ रहे हैं, तो इनमें ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं, बस चक्कू से आप हल्का हल्का इस तरह से कर दीजिए और क्या कहते हैं कोई दिक्कत, और इसको अच्छे से काट और अच्छे से तीन से चार पानी में धुल लीजिए। इसका सारा छिकल छूट जाएगा, कोई वो नहीं होगा कि मतलब नहीं इसमें छिकल रह गए हैं या कुछ है, तो इसमें कुछ नहीं रह सकता है। तो आइए इसको काट लेते हैं, फिर आप आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पतला पतला काट लिया है, अब इसको हम तीन से चार या ज़रूरत पड़ी तो पांच पानी से भी इसको धुलेंगे, अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि देखिए इसका सिक्कल सारा छूट चुका है। चलिए आइए दिखाते हैं इसको, पहले धुल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने पानी से धुल लिया है, साफ हो गए हैं। इसमें देखिए कम से कम हमने चार पाँच पानी से इसको धुला है, खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धुला है, देखिए बिल्कुल साफ हो गए हैं। और ये थोड़े बहुत हल्के छिकल रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो होने ना होने से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये खूब अच्छे से साफ हो चुके हैं, और कभी कभी पुराने आलू आते हैं उनसे वो भी बनाए जाते हैं बिना छिकल के, और छिकल दाल भी बनाए जाते हैं, तो अच्छी लगती है सब्जी कभी कभी। अगर आप बना, हम लोग भी कभी कभी खाते हैं कि आज छिकल की सब्जी बनाने, ऐसे ही बनाएंगे बिना छिले हुए बनाएंगे। तो देखिए अच्छे से बनाए, और चलिए इसको हम बनाते हैं। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डाल देते हैं, जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसमें, और अब उसके बाद देखिए जीरा भी हमारा हो चुका है, हरी मिर्च भी हो गई है। अब इसमें जो मैंने आलू भुने थे तो आलू भी डाल देते हैं, तो देखिए ये आलू डाल के अच्छे से इसको सॉटे कर देंगे और धीमे मीडियम आंच में इसको पकने देंगे। ये देखिए अब ये आराम से ये पकेंगे थोड़ी देर के लिए, और इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। तो ये नमक डाल दीजिए इस तरह से, अब अपने नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए डाल देते हैं और इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे सिंपल डालेंगे, मसाले भी नहीं डालेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये देखिए बस, अब इनको हम पानी भी नहीं ऐड करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही बच्चों को सूखी सब्जी, अगर आप चाहें तो ये टिफिन में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो इसको हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, और बीच में भी इसको चलाना है, वरना क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ा है तो ये जल जाएंगे, और बीच में भी इसको देखना है हटा हटा के कि कैसे पड़ा है, इसको चलाना है अलट पलट के, इसको चलाते रहना है जिससे कि ये सारे पक चुके, नीचे वाले ऊपर हो जाएंगे इसलिए, तो अच्छे से ये पक जाएंगे। चलिए इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो ये देखिए सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, ये देखिए कितनी लाल हो गई है, और ये अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं, और देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। इस तरह की सब्जी पूड़ियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, आप सूखी सब्जी बच्चों के टिफिन में लगा सकते हैं, पराठा बना के आप पराठे के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, बट ये पूड़ी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छी, आप एक बार ट्राई करके देखिए कि कैसी बनी है, और हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, एक बार अपने बच्चों के लिए भी बनाइएगा इस तरह से,
बच्चे भी कहेंगे बार बार, मम्मी वाओ कितनी टेस्टी सब्जी है, ना ही ज़्यादा मिर्चा है ना ही कोई मसाले इसमें साले। मैंने बच्चों के लिए सिंपल सब्जी बनाई है, कभी कभी कोई कोई बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें धनिया डाल देते हैं, ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें धनिया इस तरह से डाल दीजिए और इसको ऐसे मिक्स कर दीजिए। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है, आइए इसको सर्व करते हैं। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, किस तरह से तो कितनी अच्छी बनी हुई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए बच्चों की मन पसंद सब्जी भुजिया, ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी बनी है। बच्चे खाते ही कभी मना नहीं करेंगे कि हम नहीं खाएंगे। तो इस तरह से आप भी सब्जी बनाइए और बच्चों को टिफिन में लगाइए, बताइए कि कैसी सब्जी बनी है। एक बार आप भी ट्राई करके बताइए, देखिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।